हेलो माय डिवाइन सोल फैमिली, आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलो आज थोड़ी रीयूनियन के बारे में बात की जाए। रीयूनियन क्या है? मैरिज? नो। राधा कृष्ण ने कभी शादी की थी? वो भी ट्विन फिल्म थे। ट्विन फिल्म जर्नी हमें क्या सिखाती है? क्या हमें इस अर्थ पे आके अपने कार्मिक अपने बैगेज सब रिलीफ कर दे, ताकि हम अपने डीएम से पूरी तरह से रीयूनियन में आ जाए इन 5D। जब तक आपके और डीएम के प्रेगनेंसी मैच नहीं होगी, रीयूनियन में थोड़ा इश्यू होता है। रीयूनियन इज़ नॉट ओनली फॉर लव, इट्स अंडरस्टैंडिंग फॉर योर सोल ग्रोथ। इसलिए आप जितना इनर वर्क करते जाएंगे, आप उतना ही डीपली इस जर्नी को आप जानते जाएंगे। इसलिए प्लीज़ आप सब इनर वर्क करिए और अपने इश्यू सब हील कीजिए। कोई भी नया कार्मिक बैगेज आप मत क्रिएट कीजिएगा। शिव शक्ति भी ट्विन फ्लेम ही है। जैसे शक्ति ने शिव को पाने के लिए तपस्या की थी, शिव ने भी आखिर में शक्ति को पाने के लिए उन्होंने भी घोर तपस्या की थी। ये बात आप लोग सब जानते ही होंगे। उन्होंने कितनी कठिनाइयों का सामना किया था, तब जाके उन लोगों का यूनियन हुई थी। ये जर्नी आप जितना समझ रहे हैं इतनी आसान नहीं है। आपको भी आग में तप के सोने की जरा कुंदन बनना पड़ेगा। आपको भी चमकना पड़े होगा और आपके डीएम को भी आपको ही ऊपर लाना पड़ेगा। सब डीएफ को 3D और 5D में बैलेंस बनाना पड़ेगा कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी एकदम आसान हो जाए। हम अभी हर्मिट मोड में है। 5D में तो सब जानते हैं, लेकिन अभी 3D में उन्हें भी अपने कार्मिक बैगेज कंप्लीट करने हैं। वो भी लेसन सीख रहे हैं, भी अपने क्वेश्चन के आंसर ढूंढ ही रहे। और डीएफ भी अपने सोल मिशन पर पूरी तरह से फोकस है। गॉड की ब्लेसिंग उन लोग सब डीएफ के साथ है। बस आप सब कंफ्यूज मत होइए, इनर वर्क करते रहिए, बैलेंस करते रहिए, मेडिटेशन करते रहिए, सेल्फ लव करना मत भूलिए, को फॉरगेट करके अनकंडीशनल लव करते रहिए। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय, गुड बाय।